अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका फेवरेट प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए खासकर डिज़ाइन किया है, जो पाकिस्तान की हज़ारों साल पुरानी जो हिस्ट्री या जो आसार कदीमा है, उस हवाले से आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम आपके सामने रखेंगे। और आपको भी बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है या उन महज़ब ममालिक की जो तहजीबें हैं उनमें होता है जिनके जो आसार हैं वो तकरीबन 5-6 हज़ार साल पुराने हैं। तो पाकिस्तान की इस खत्ते की इम्पोर्टेंस खासकर आर्कियोलॉजी के हवाले से क्या है, हमारे पास कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं, उनकी क्या अहमियत है, इन तमाम बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। और नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बड़े प्यारे मौसम मौजूद हैं, सहरा मौजूद हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, ग्लेशियर्स हैं। अगर हम शिमाली इलाका जात का रुख करते हैं तो वहाँ के जो खूबसूरत मकामात हैं, एक मिनट के लिए तो हमारा वो हमारी सारी जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस लिहाज से जो पाकिस्तान है वो अपने खित्ते के अतबार से भी बहुत सारी मुनफरद हैसियत रखता है। हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन हैं जनाब, उनका मैं तारुफ भी आपसे करवाती ही चलूँ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब हैं, ही इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट। उनसे हम जानेंगे आसार कदीमा क्या हैं और पाकिस्तान की इस खत्ते की खासकर क्या अहमियत। और मैं ये भी आपके साथ फैक्ट शेयर करूं कि जो यूनेस्को है वो पाकिस्तान के खासकर 6 मकामात को सकाफती विरसे में शामिल कर चुका है और उसमें मोहनजोदड़ो, टैक्सिला, तख्तबाई के बुदसार, शाही किला, शालामार बाग, मकली कब्रिस्तान जो कि ठट्ठा में है, और इसके साथ साथ किला रोहतास सिंह जो कि अपनी हिस्ट्री में तमाम मकामात बहुत रिच हैं, तो ये जनाब शामिल हो चुके हैं। जनाब डॉक्टर हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो बताएगा कि जो माहिर आसार कदीमा हैं ये लोग कौन होते हैं और हाउ डू दे वर्क? बेसिकली सवाल यही पूछा जाता है और इस लफ्ज़ को इटसेल्फ ही इसमें एक बड़ी कदीमियत आ जाती है कि आसार कदीमा के जो एक्सपर्ट हैं असल में इसी दुनिया के रहने वाले लोग हैं जैसे हम हैं। बेसिकली हमारा जो काम होता है वो जितनी भी हमारी गुजरी हुई तारीख है जी। या तहजीब है और जितनी भी तहजीबें ख़त्म हो चुकी हैं उन लोगों के बारे में जानने के लिए उन्हीं के जो छोड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बात की है कि 5000 साल पहले जो हमारी तहजीब थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, उनको लिखना पढ़ना तो नहीं आता था, अगर आता भी था तो अभी तक हम उनकी लिखाई को डिस्कवर नहीं कर पाए आज तक। लेकिन वो पूरी एक तहजीब थी जो कि दुनिया की डिवेलप तहजीबों में एक थी। जब हम तहजीब का नाम लेते हैं तो इट मीन्स कि उसमें वो सारे अनासर मौजूद थे जो कि आज हमारी लाइफ में जो इंटेग्रल पार्ट्स हैं, हमारी ज़ुबान है, कल्चर है, रिलिजन है, लिबास है, ग़ज़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद थी, इकॉनमी भी थी, ट्रांसपोर्टेशन भी थी। अब वो लोग तो हमारे पास मौजूद नहीं हैं अपनी कहानी बताने के लिए, तो फिर हम कैसे उनके बारे में जानेंगे? तो जो उनके बनाए हुए शहर हैं जो कि अब उजड़ चुके हैं या वो माउंड बन चुके हैं, टीले बन चुके हैं, वहाँ पर वो आसार ज़मीन में दफन हैं। और मैं इस तरफ इशारा करूँगा कि जो इंसानी तारीख की जो अलिफ है वो भी यहीं से शुरू होती है, जो हमारे इलाके से शुरू होती है, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। और एक तरफ मैं ज़रूर इशारा करूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़े मैसेज दिया है इंसान को कि आप ज़मीन में सैर व सियाहत करो, इंसान को मुखातब होकर कहा है कि मेरी ज़मीन जो मैंने बनाई है उसमें सैर व सियाहत करें, सैर व सियाहत करें और उन कौमों के बारे में जानें जिन कौमों पे हमने अपनी नेमतें नाजिल कीं, और जब उन्होंने हमारी नेमतों को झुटलाया तो हमने बस्तियाँ की बस्तियाँ जो थीं वो पलट दीं। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। ठीक है, अब ये जो इलम है जो कि उस तमाम लोगों का, या कुरान पाक को हम देखें तो 40% से ज़्यादा उसका जो हिस्सा है वो गुजरी हुई कौमों के बारे में है। अब गुजरी हुई कौमों के बारे में जो जानना है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं जो आपको बताते हैं कि मिस्री तहजीब कैसी थी, इराक की तहजीब कैसी थी, और हमारी वादिया सिंध की तहजीब कैसी थी, या यूनान की तहजीब,
या आप कह लें कि चाइना की तहजीब कैसी थी और वो लोग कैसे रहते थे। तो बेसिकली ये आर्कियोलॉजिस्ट ये काम करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जिनका जिनमें से चंद का आपने जिक्र भी किया, जिन तहजीबों का शुमार या जो वहाँ के लोग बहुत यू नो ऑर्गेनाइज थे या बहुत मुहज़्ज़ब थे, उसमें से हम मोहनजोदड़ो जो है वो भी सर फहरिस्त आता है, ऐसी है, किस तरह के लोग थे और हमें वहाँ पर किस तरह के आसार मिले हैं इन माजी और अभी भी, क्या कुछ काम हो रहा है, अभी भी कुछ डिस्कवर वहाँ से हो रहा है या ये अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि आर्कियोलॉजी का जो काम है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके होता है। कुछ नई दरियाफ्त चलती रहती है उसमें। दरियाफ्त भी होती है और जब हम एक्सकवेट करते हैं साइट को तो उसमें हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली हमने उसको कलेक्ट भी करना होता है और स्टडी भी करना होता है क्योंकि वो एक दबी हुई तारीख है और उसमें दबे हुए औराक हैं। तो अगर हम उसको जल्दी में करेंगे तो हम उन औराक को जो है वो उसकी तरतीब बदल देंगे और इंसानी जो तारीख है उसको हम सही लिख नहीं सकेंगे। इसीलिए ये पिछले 150 साल से काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है कि वो कैसे है। आपने पूछा कि वादी सिंध की तहजीब, इसको हम कहते हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की है, इन लोगों में मुनफरद क्या था? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इजिप्शियंस की तो उनके बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स थे और वो फैरोस थे, उनका टाइटल था। तो असल में जो हमारी पंजाब की तहजीब है, वादी सिंध की तहजीब है, इसकी अपनी इनफरादियत थी कि ये जब अपने शहर बसाते थे, जैसे आज हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, उसी तरह ये भी उनके कैपिटल सिटीज़ थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि दो पाकिस्तान में है, तीसरा भी एक्सकवेट होना है जो कि चोलिस्तान में है और एक फिर इंडिया में आ जाता है। अब ये जो शहर हैं, जब हमने इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक्सकवेट किया तो पता चला कि ये जो शहर हैं इनको बनाने वाले किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ये ऐसा है कि जैसे शहर का खाका, शहर का ग्राउंड प्लान पहले तैयार किया गया और उसके बाद उसको बनाया गया। आज भी अगर हम कोई अच्छी सोसाइटी देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी जो मेन बुलेवार्ड है या मेन स्ट्रीट्स हैं वो 90 एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। ये आज का कंसेप्ट नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि 5000 साल पहले रहने वाले लोगों ने और हमारे लोगों ने ये सिस्टम दिया। तो मैं इसी एक्चुअली पॉइंट पर आना चाह रही हूँ, जैसे कि हमें इजिप्शियन हिस्ट्री भी मिलती है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इवन कि आप भी तक उस पर गोरा या जो साइंटिस्ट है दे आर यू नो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि सामने आ जाती है। इतने हजारों साल पहले जिस तरीके से ये बिल्डिंग्स बनाई गई या जिस तरीके से इनको बनाया गया, और इसी तरह हम बाकी तहजीबों का भी जिक्र करते हैं, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ थी, ना कोई कॉलेजेस थे, ये किस किस्म के लोग थे और ये नॉलेज और इतना मयारी काम करना, मतलब इंसान की जो सोच है वो भी हैरत या दंग रह जाती है कि किस पैटर्न के तहत काम कर, जिस पैटर्न का आपने जिक्र किया कि जो वादी सिंध की जो एक तहजीब है वो एक ख़ास पैटर्न के तहत तरतीब दी गई, तो आप क्या इस पर राय रखते हैं? देखिए, हम उस दौर के लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान ने जितनी भी तरक्की की है उसके पीछे उसका तजस्सुस जो है वो रहा है। जितनी भी उसने फिक्री मनाजल तय की हैं उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने आप को आसानी में चाहता है और उस आसानी को लाने के लिए उसने मुख्तलिफ चीज़ों पे हमेशा सोच विचार किया है और उस सोच विचार के नतीजे में उसने एक दूसरे से बढ़ के चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। अब वो लोग, जब हम उनके दौर के में जाके उसी पैटर्न में रख के अपने आप को सोचते हैं, तो फिर मैं एज ए आर्कियोलॉजिस्ट ये कह सकता हूँ कि उनकी समझ का मेयार, उनके नॉलेज का मेयार और उनकी शायद जो ट्रेनिंग का मेयार वो हमसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर वो किसी गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे थे, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं ले रहे थे, उनमें खुद में ही इंटेलेक्चुअल मचूल थे, ये सलाहियत उन्हीं में मौजूद थी और उस सलाहियत तक पहुँचते पहुँचते उनको हज़ारों साल का सफ़र तय करना पड़ा।
और इसी वजह से फिर खुदा भी हमें ये बता रहा है कि जब मैंने इंसान को शऊर दिया तो उसने अपनी शऊरी मनाजिल जिस तरह से तय की हैं और उसने बड़े बड़े पत्थरों को काट के उसके अंदर अपने घर बना दिए और फिर ये दावा कर दिया कि मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर हमने उनको भी ख़त्म किया। तो फिर आप जाके देखें कि वो स्टेज उन्होंने राइज कैसे किया, राइज जब हुए तो फिर उन्होंने किस तरह का बिहेवियर रखा और फिर हमने किस तरह से उनको फिर ख़त्म भी किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थी वो हमारे आज के लोगों से बहुत ज़्यादा आगे थी। वो सोचते थे, बाकायदा निज़ाम बनाते थे। आप ये भी सुन के हैरान हो जाएंगी कि वादी सिंध के जो लोग थे बाकायदा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी स्टैंप लगाते थे। जैसे हम गारमेंट्स पहनते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं उसके ऊपर जो ब्रांड का टाइटल लगा होता है या नाम लगा होता है या बनाने वाले का या कंपनी का नाम होता है, और वो जो चीज़ें हैं वही जो स्टैम्प्स हैं वही मटेरियल हमें हज़ारों किलोमीटर दूर जो इराक़ की तहजीब है उसमें भी मिला है। इसका मतलब यह है कि जितनी ये तहजीबें हैं ये आपस में रबते में भी थी, चाहे वो समंदर के रास्ते या वो ज़मीन के रास्ते। तो वो जब एक दूसरे को देखती थी कि इन्होंने ये बनाया हुआ है तो फिर अपने माहौल में आके अपने मटेरियल को यूज़ करते हुए वो जो चीज़ बना सकते थे वो फिर उन्होंने बनाई। और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी जो मुतवातर जो इंसानी डेवलपमेंट है उसको समझते हैं कि 5000-6000 साल पहले जो इंसान यहाँ पर रह रहे थे उनका क्या रहन सहन था और जो इनसे हज़ारों मील दूर सेम टाइम पीरियड में रह रहे थे उनका क्या था। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हिस्ट्री हमें बताती है, मैं चाहूँगी एक बार हमारे नाज़रीन के साथ फिर से शेयर की। जब किताबों में तो हमने बहुत पढ़ा है लेकिन जो वादी सिंध की तहजीब है और ये जो पूरा ख़त्ता है, हाउ डिड इट एंड, ये कैसे ख़त्म हुआ, इसका खात्मा कैसे हुआ, इसमें कोई मज़ीद कोई रिसर्च कुछ मज़ीद एड ऑन हुआ है या वही है जो हमने किताबों में पढ़ा। असल में जहाँ भी तहजीब बनती है, तहजीब वहाँ बनती है जहाँ पर इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सारे वसाइल मौजूद होते हैं। हमारा ख़त्ता वो ख़त्ता है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थीं और इस पर लगातार जो हमलावर है वो आते रहे हैं, लगातार हमलावर आते रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो मुतवातर यहाँ पर बसते रहे हैं। जब वो बसते रहे हैं तो हम समझते हैं कि एक दूसरे को वो ख़त्म करते रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, इसीलिए उनके जो छोड़े हुए आसार तो रह गए लेकिन वो हमें तारीख भी दे गए, वो अपना कल्चर भी दे गए और अभी तक हम उस पर काम कर रहे हैं कि कौन पहले आया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस वैली की तहजीब के बारे में कहा जाता है कि ये ख़त्म होगी और आर्यन आए, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि कोई फ्लड आ गया, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि एपिडेमिक डिजीज़ आ गई, जैसे अभी कोविड-19 आया है। कहानियाँ थोड़ी सी मौजूद हैं, कहानियाँ उसमें आ जाती हैं, नॉवल्स हैं, मुख्तलिफ मूवीज़ भी बन चुकी हैं। जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो सकाफती विरसा है ना कि सिर्फ वो सामने आए बल्कि इससे हमारा एक सॉफ्ट इमेज भी दुनिया में जाए और टूरिज्म का जो एस्पेक्ट है वो भी हम अच्छा, इसको टूरिज्म की आपने बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। ये जितने भी हम अपने एसेट्स ही मैं कहूँगी हमारे लिए तो असासाई हैं जो कि हमारे खत्ते की भी अहमियत में इजाफा करते हैं चूँकि यहाँ पर ये मौजूद है, उनकी हिस्ट्री इतनी रिच है। क्या गवर्नमेंट की तरजीहात में इनकी टेक केयर शामिल है, क्या हम अपने इन एसेट्स को संभाल कर रख पाए हैं या नहीं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इसमें मैं समझता हूँ कि हकूमत को हम डिफरेंट पैरामीटर्स में देख लेते हैं। एक तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या हमारे जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या उनके सिलेबस में हमारा हेरिटेज का सेगमेंट शामिल है या नहीं शामिल। हमारे बच्चे को, हमारे नौजवान को, हमारे बुज़ुर्ग को हमारी अपनी ही तारीख के बारे में कितना इलम है, क्या हम उससे कटे तो नहीं हुए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमें जानबूझकर किसी स्टेज पे जाके काट दिया गया है कि आपकी तारीख यहाँ से आगे नहीं चलती, क्योंकि हम जाएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम तक चले जाते हैं, उसके आगे हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारे खित्ते की जो तारीख है वो तो लाखों साल पे जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि निसाबी शक्ल में भी हमारा जो विरसा है वो हमारे किताबों में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से हम उसको खो रहे हैं क्योंकि किसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो क्या है।
पिछले कुछ सालों में हुकूमती तरजीहात जो है वो बदली हैं और काफ़ी खातरखा इजाफा हुआ है, जिसमें हमारा जो हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको प्रमोट किया गया है और ख़ासकर रिलीजियस हेरिटेज को प्रमोट किया गया है कि हमारे पास बुद्ध मत भी है, हिंदू मत भी है, जैन मत भी है, सिखिज़म भी है, ये सारे के सारे। जब से ये चीज़ आई है रिलीजियस टूरिज़म, तब से हमारे जो मॉन्यूमेंट हैं उनकी जो हालत है वो बेहतर हुई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें अपनी कौम को भी अपनी तारीख से जो है वो रोशनास कराने की ज़रूरत है, ताकि वो ख़ुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकें। तो मुझे ये बताएं कि जितनी हिस्ट्री हमें पाकिस्तान से मिलती है या जो हम आसारे कदीमा का जिक्र करते हैं, जिनमें से कुछ मकामात का जिक्र मैंने भी किया, बाकी पर आपने रोशनी डाली, और जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्शियन हिस्ट्री की बात करते हैं, बुद्ध मत की बात करते हैं, या दूसरे आसारे कदीमा की बात करते हैं, वहाँ से हमने देखा कि बहुत सारे हीरे, जवाहरात और बहुत सारा सामान बरामद हुआ, निकला, साइंटिस्ट पहुँचे, उन्होंने देखा ममीज को जिस तरीके से उन्होंने रखा गया। पाकिस्तान में जो मकामात हैं वहाँ से भी हमें इस तरह की चीज़ें मिली? बिल्कुल, चीज़ें मिलती हैं, मम्मीज मिलती हैं, स्टिल मिल रही हैं। बिल्कुल मिलती हैं। मम्मीज़ का जो कंसेप्ट है ये लाइफ आफ्टर डेथ का बिलीफ है, जो कि हमारा भी है कि हम जब मर जाएंगे तो नई ज़िंदगी हमें मिलेगी जो आखिरत में मिलेगी। ये हर तहजीब में है, ये हर मज़हब में है, उसका शेड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन असल पिरामिड क्या हैं, वो मकबरे हैं। जैसे कि आज हमारे हम किसी सेंट का या किसी अच्छी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ी कबर बना देंगे, तो उसे में जो पिरामिड है वो बहुत बड़ी, वो बादशाह की कबर है, आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर किसी वो सेंट का, सेंट की कबर है जो कि मकबरा बन गया है, कि कितना वो उस नेक्स्ट वर्ल्ड के नज़दीक है या उसमें रूहानियत का एलिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा है। तो मम्मीज़ का कंसेप्ट तो वहाँ पे है, और ये अभी भी है। अगर मैं आपको इंडोनेशिया की एक एग्जांपल दूँ, वहाँ पर अभी भी एक ऐसी कौम मौजूद है और वो दैट वेंट रियली वायरल, जो कि अपने अबाओ अजदाद की जो बॉडीज थी उनको अभी भी हनूद करके रखना रखते हैं, और वो आफ्टर 50 or 60 years वो उसको निकालते हैं और उनको नए कपड़े पहनाते हैं, और जो भी हैलोवीन डे या आई गेस के कोई अपने जो दिन त्यौहार उनके होते हैं, शायद गालिबन दिन त्यौहार जो होते हैं नॉट हैलोवीन, वो उस पर उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह ईद हमारा एक फेस्टिवल है, वो अपना फेस्टिवल उनके साथ प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। और ये परेशान कुन बात भी रही जब मेरी नज़र से गुजरी। सो अभी भी दुनिया के जो दूर दराज कोनों में जो लोग मौजूद हैं वो अभी भी ये कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप अमेज़ोन के जंगलों की बात कर लें या जैसे भी आपने बात की है, बिल्कुल ऐसा है। हमारे भी यहाँ पर जब स्टूपास बने तो स्टूपा में बहुत बेशभा लोगों को लगा कि ख़जाने भी दफन किए गए हैं, लोगों ने वो निकाले भी, ख़ासकर ब्रिटिश दौर में निकाले, और उसको सारे का सारा सासा बाहर पड़ा हुआ है, बाहर के ममालिक में पड़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट और बाहर के एक्सपर्ट तो कर रहे हैं, और वो हमारी ही हिस्ट्री की जो इंटरप्रटेशन है, तशरी, वो अपने अल्फाज में कर रहे हैं, और हम फिर उसी लकीर के पीछे चलते हैं जो उन्होंने कह दिए, वही हमारी तारीख है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आपको अपनी तारीख से, अपनी मिट्टी से, अपने कल्चर से रोशनास करवाता है, और ये प्राइड देता है कि आपकी वो सरजमीन जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं, ये 5000 साल पहले वो सरजमीन थी जिन्होंने कि हर जगह पे अपना जो है वो लोहा मनवाया, और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी बनी और कल्चर भी बने और लोग भी यहाँ आए सीखने के लिए। पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री की बात करें और आसार कदीमा की बात करें, तो सादा सा सवाल कि कितना ख़जाना निकला है यहाँ से? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ख़जाना वही है जो वहाँ पर उनकी छोड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हैं या मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ हैं या वहाँ पर उनके घर हैं, मकानात हैं, क्योंकि ये अपने अंदर पूरी तारीख समोए हुए हैं, और जो कि वो ख़ुद ऑब्जेक्ट अपने फिर ज़ुबानी हमें बताते हैं या पत्थर बताते हैं। हमारा तो ख़जाना यही है, और इलम ही असल ख़जाना होता है, नॉलेज असल ख़जाना होता है। हड़प्पा का तो जो एरिया था पूरा, वो तो मैंने खुद विटनेस किया हुआ है, उसको मैंने विज़िट किया था। मेरा सवाल अगेन वही है कि क्या हमने इस जगह की कदर की, क्या हमने इसको संभाला? जिस तरह से यूनेस्को है, वो उसने पाकिस्तान के जो चंद तारीखी मकामात हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और वो जो 5000-6000 साल पुरानी हिस्ट्री उनमें उसका शुमार होता है। लेकिन जब मैं गई थी आज से कई साल पहले वहाँ पर, सो ऐसा देख के लगा नहीं कि इस जगह का ख्याल किया जा रहा है या इसकी कदर की जा रही है।
बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है और मैं इसको इंडोर्स करूंगा कि असल में हमारे मुल्क में एक मेंटेलिटी जो है वो इस तरह से सराइयत कर चुकी है कि हम उसको हेरिटेज को भी कॉरपोरेट आई से देखते हैं। जिस मॉन्यूमेंट में हमको लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा है हम उसको तो बचा रहे हैं और जहाँ पर तहजीब दफन है वो उसको हम नहीं बचा रहे, तो साइट्स जो हैं हमारी उनको उस अंदाज से प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा या प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा जैसा कि करने की ज़रूरत है। मे बी उसमें बहुत सारे हो सकते हैं कि वसाइल की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है या कोई और वजह हैं। तो मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगा कि हर जाने वाले का यही ख्याल है, क्योंकि जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ से कोई सीख या कोई समझ या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आता, सिवाय मट्टी पड़ी है या शोकेस में ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, वो तो गूंगे ऑब्जेक्ट, वो क्या बात करेंगे। तो ये आपका और वहाँ पर जाने वाले 90% लोगों का यही होता है कि हमें क्या फ़ायदा है। अच्छा, जो शेखुपुरा फोर्ट है वो भी टूरिज़म के हवाले से आई थिंक एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको भी ये कहकर बंद किया गया है। यही हमने अफवाह सुनी, र्यूमर्स सामने आए कि यहाँ पर जिन आसेब, और इसके बाद उसको बंद कर दिया गया। ये बात आप तक पहुँची है और इसमें कितनी हकीकत है? आज तक हमें तो किसी को जिन से या सामना भी आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं पड़ा। ये मिथ्स तो होती हैं हर जगह पे, और अगर हम अपने घर में ही कोई कमरा 10 साल के लिए बंद कर दें तो कोई वहाँ पर नहीं जाएगा कि वहाँ पर पता नहीं क्यों असेब हो सकता है, ऐसी बात होती ही नहीं है। ये सिर्फ ये है कि उसको किस हद तक प्रमोट करना है या प्रोजेक्ट करना है, काम तो गवर्नमेंट का है ना, ये काम गवर्नमेंट का है। तो मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगा कि जब तक आप अपने उस साइट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो उनका शायद उससे उनसियत नहीं बन पाएगी। अभी आपने फिर हड़प्पा की बात की थी, हड़प्पा में आज भी जो बैलगाड़ी चल रही है वो वही है जो कि 5000 साल पहले इंडस वैली के लोग चला रहे थे। उसके व्हील का साइज़ भी वही है और उसके व्हील को जोड़ने के लिए जो एक वो रॉड सा इस्तेमाल होता है लकड़ी का, वो भी उसकी पैमाइश आज भी उतनी है जितनी कि इंडस वैली के दौर में थी। हमें पता ही नहीं है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा प्राइड है और हमने दुनिया को इसके सामने दिखाना है। तो हेरिटेज को और हिस्ट्री को और आर्कियोलॉजी को इसलिए भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि ये आपको खुद से ही रोशनास करवाती है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच जनाब डॉक्टर मोहम्मद हमीद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, आसार कदीमा और जो अहम मकामात हैं उस हवाले से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।